कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में मंगलवार को एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बुधवार सुबह डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मलबा हटाने के लिए टीम ने बड़ी मशीनें भी मंगवाई हैं। कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की दुर्दशा करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, आपने देखा होगा कि दुबई और दिल्ली में क्या हो रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति है। हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं।